अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको रहम अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर नहीं हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है, भले चंगे मोटे ताजे, नई बातें नए टॉपिक के साथ आपकी हाजिरी खिदमत परवीना पा फिर आ गई हैं। तो जी थैंक यू सो मच जो इतना प्यार करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। देखिए जी, रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलती है। अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे बंदों को इज़्ज़त दो तो मैं तुम्हें इज़्ज़त से माला माल कर दूँगा। इसलिए आपके किसी की बात अच्छी नहीं ना लग रही, कोई बात नहीं, ना सही। हमें लोगों की वीडियोस अच्छी नहीं लगती, हमने रिव्यू देते हैं एक तरीके से, बदतमीज़ी कभी भी नहीं। हमारा 3 साल से हम लोग हैं यूट्यूब पे, आप हमारा पीछे से पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम कभी किसी का उल्टा नाम भी ना लें। जो ये यूट्यूब पे दिखाया जा रहा हम उस पर देखते हैं। तो इस पर अभी हम बात करेंगे। वो जो सीधी सादी लड़की है गांव की, पाक विलेज वाले, उनका मैंने थंबनेल देखा तो मैं हैरान परेशान हो गई। अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसा तो ये पहले कभी ड्रामों में आता था कि ऐसे टाइटल लग रहे होते थे। तो अब ये यूट्यूबरों ने, क्योंकि इनको लत पड़ चुकी है वेले रहने की, वेले रह के अपनी बीवियों को दिखा के पैसा कमा रहे हैं। ना वो कहते हैं हिंग लगी है ना फटकड़ी, तो रंग चोखा चढ़े। तो पता नहीं आप जो पंजाबी नहीं जानते उनको क्या समझ आएगी कि यार ना पैसा लगे ना देला लगे, और जो हम कलर करें वो भी बड़ा ज़्यादा आ जाए। हाँ, मेहंदी लगाए तो उसका रुपया भी ना लगे और मेहंदी का रंग इतना ज़्यादा चढ़ जाए। तो ये लोग, इनके ये लोगों की बन गई आदत, ये झल्ला राइयों वाले हो गए, ये अहमद फैमिली वाले हो गए, ये पाक विलेज वाले हो गए, ये सारे गांव से बिलोंग करते हैं। और इनका यही है कि अल्लाह ताला माफ़ करे, हम भी कोई इतने अमीर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त की रोज़ी दे, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे जो जिस भी वो ताल्लुक़ रख रहा है कौम से, बरादरी से, उसकी क्या कैटेगरी, अमीर है गरीब है, इज़्ज़त वाला होना बहुत ज़रूरी है इंसान को। तो इस बंदे ने अब ये देख ले, पहले ये अली वीरू लोगों को इतनी बातें कहा करता था, ये ऐसे हैं, कभी ये जूते उनके सरों पे मारता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था, कि ये अपनी औरतों लेके आते हैं। ये हालाँकि उनकी औरतें फिर भी दुपट्टे करती हैं, दुपट्टे करती हैं, तो इसने बीवी को दुपट्टे भी उतरवा दिए। इसकी कुछ वीडियो ऐसी हैं जहाँ कोई मतलब बात नहीं, और बीवी के बगैर दुपट्टे की इसने तस्वीर लगा दी। तो आज तो इसने हद ही कर दिया जी, हाँ खुद बाजू खोल के खड़ा और बीवी को बगैर दुपट्टे के साथ लगाया। और फिर पता है जो मियां बीवी का रिश्ता होता है वो इसी तरह का ही होता है, बहन तो होती नहीं है। तो जी पाशा आ गया, पाशा आ गए, व्यूज ना आ रहे हो? हाँ नहीं नहीं, व्यूज भी इनको काफी ज्यादा आते हैं। तो पाशा साहब भी आ गए हैं ऐसे लोगों की चित्रोल करने के लिए। तो प्याज चिड़ा नहीं है, वो एक और पाक विलेज वाला, वो भी बहुत बड़ा बदमाश बना हुआ है। और ये लोग जब किसी को अगर शॉर्टकट भी देते हैं तो कितना पैसा मांगते हैं। यहाँ पे कोई सोदिया से हैं पता नहीं, मुझे तो भाई लगते हैं, वो मुझे कहते हैं सामने आके बात करो। माँ सदकी जाए तो प्यो लानता पाए, सामने आ गई तो फिर ताडे ने जीना आराम कर देना। आप ही लोगों ने धियां गल करते पे जे, आप ही कुड़ियां सामने जवान, आप गैर मेहरबान। अकेला सिर्फ ये ने कहा, गाली देके कहा है कि मेरे सामने है। ओहो, ये भी कहा कि मैं सऊदीया से हूं। तो तुम सऊदीया में दसो, मैं ताडे सामने आके, बल्कि मैं ताडे घर वड़ के गल करा, साडी तरबियत नहीं इस तरह की गल करनी, लेकिन तुहानू कोई हक नहीं पहुंचता, तुहानू अच्छी नहीं लगती, तुसीं साडी वीडियो ना देखो। मदीने मक्के मदीने बैठ के लड़कियां अच्छी लगती है, मैं तो कहना कि अल्लाह तुम हिदायत देवे। अच्छा हिदायत की लड़का, वो कहते हैं मैंने अलीजा के साथ बैठना है। पाशा देखे, अगर खुदा ना खास हम लोग अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, सबसे बड़ी सपोर्ट आप हमारी हो, क्योंकि आपके पापा नहीं। मैं तुम्हें गल दसा मम्मा, तो ए बंदे, ए वो बंदे होंदे ने जेड़े अपनियां बीबियां नु कारोबार दी निकल देंदे, और ये कहते हैं लोगों की नंगियां, लोगों दी नंगियां होंगे साडे सामने आण, उन्हां नु पता है असीं लोगों दी नंगियां देख रहे हैं, कोई साडियां नंगियां करके देखेगा? ए फिर मजबूर होंदे ने, ए अपनियां नु फिर घरों निकलन नहीं देंदे। बंदा पुछे तू परदेस च बैठा है, मैं
चल छोड़ दे, क्योंकि लड़की तो ऐसा, मुझे जहाँ तक पता लड़की इतना नहीं कर सकती। तो नहीं देखे, चलो लीजिए सर ने गलत हुआ या किया जो भी है तो उसकी आप भी रिस्पेक्ट के लिए, हम मानते हैं, हम मानते हैं उसकी ज्यादती, उस लड़के ने बगैरती की, जो भी था अल्लाह उस पे और उसके अल्लाह उस पे लानत, उस पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत। और सबसे बड़ी गलती इसकी भी, तन्नू जो पसंद है तुमको, रिलेशन ने चाहना है तो ब्याह कर, बिल्कुल एक हमारे इस्लाम ने सीधा साधा रास्ता दिया। मेरी बात सुनो पाशा, गलत भी हो गया। अब जब वो कमा रही थी, बाप ने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी बेटी नहीं, बेटा सुनो मुझे 50 करोड़। अब एक गैर लड़का बैठ के उसके साथ टिकटॉक पे बैठ के लोगों को गालियां कर दे रहा और कह रहा है पर्दे पाओ, ये देखिए अभी यहां पे कमेंट किसी ने किया, और मेरा भाई कहते हैं सबसे बड़ी ताकत होता है बाप भाई और शोहर, ये तीन जो रिश्ते होते हैं, ये बेटा ये आपकी ताकत होते हैं और ये आपके साथ खड़े होकर बात करेंगे ना, कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। यहाँ पे गलत कमेंट है, मेरा भाई खड़ा होके मेरे साथ बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसके अलीजे सर के साथ ये सब कुछ हुआ, उसके भाई को बैठना चाहिए था, उसके बाप को बैठना चाहिए था, ना कि गैर मर्दों को उसके साथ लाइव में आके बैठे सारे। ओ, मैं उनकी क्यों, मेरे मुंह चो गाल निकलेगी, तो मेरी पंजाबी तो अंदाजा होता है कि मैंने बड़ी गाल आदि ने, पंजाबी हो तेन गाल ना आवे ये मतलब हो नहीं सकता। बस साड़ी मां ने तरबीयत ऐसी की किसी गाल नहीं कटदे। तो जो मैं गल कड़नी होंगी ना, तो जो पिछला साढ़ा कुछ स्पेल गया से, जो मेरा अपना यूट्यूब चैनल चलता सी, मैं उदो बड़ी फेम लै सकता सी गल कट के, लेकिन अल्लाह मैं यहोजी फेम तो महफूज रखे, ठीक है। बदतमीजी हो ये भरा नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ व्यूज खान दे भरा भैन भरा होंगे जो चुपे उस भाई सऊदी आले, जे मैं चाहवा ना तो मैं तेन इतने ट्रोल कर सकता, तेन गाला भी कड़ सकता, तू कख भी नहीं कर सकता मेरा, तू कमेंट जाके गंदा कमेंट करेंगे अं डिलीट कर देंगे, पर मेरी वीडियो नहीं डिलीट होनी, मैं तेन जिन्नी मर्जी गाला कड़ा। लिहाजा मेरा पुत्र तमीज के नाल पेश आई है, तेन साड़ी वीडियो नहीं अच्छी लगती, देख इख्तलाफ राय किस नाल भी हो सकता, लोगों को नबियां पैगंबरां नाल इख्तलाफ राय है, उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया, लेकिन डजन मीन के तू उठ के गाला कड़न लग पवे या तू बदतमीजी करन लग पवे। तेन जो कोई प्रॉब्लम है, तेन मेरी भैन की आवाज़ करना है, तेरे नहीं अच्छी लगती, तेन मेरी वालदा की गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती, तू साडे चैनल ते ना, तेन कौन दावा दिंदा कि तू आके साडी वीडियो देख। तो मेरा भाई जे तू किसी गाल कड़ना है ना किसी की धी भैन, तो तू सोच के तू तो परदेस बैठा है, 70 गुना बाद देना पैना, ठीक है। लिहाजा मेरा पुत्र जे तू कोई इज्जतदार घराने नाल तल्लुक रखना, इज्जतदारी तो है नहीं, अगर इज्जतदार होता तो अलीजे के लिए हो सकता है, मां पे इज्जतदार हो, आप परदेश जाके बगैरत हो गए, तो वो इसलिए तो अपनियों को पीछे छोड़ जाते हैं और उधर जाके फिर ऐसी औरतों से बैठ के चस्के लेते हैं। लिहाजा मेरा वीर थोड़ा ख्याल किया कर, इस तरह ना किया कर, नहीं तो अच्छा नहीं होंगे, मुनासिब नहीं लगता कि तू मेरी भैन गाल कड़ी, मैं अगो तेरी माँ भैन छिल दिया, मुनासिब नहीं लगता। अल्लाह ना करे, के वही तो बात कर रहे हैं कि ये जब ऐसे टाइटल लगाएंगे, बीवियों को सीने के साथ चिपकाएंगे या बीवियों को पैंट शर्ट पहना के सामने लेके आएंगे, तो हम तो बात करेंगे कि तमीज के दायरे में रहकर व्लॉगिंग करो। तुसी अंग्रेजां दी व्लॉगिंग देख लो, मैं तो गारंटी देना इन्नी बेगैरती उन्होंने भी है, जितनी साडी पाकिस्तानी बेगैरती है, क्योंकि वो एक ना मीम है, प्यारी समझ गई है, प्यारियां समझ गई है, व्यूज किवें आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इन्हें समझ आ गई है कि जैसे थंबनेल गंदा लगाते हैं तो हमें व्यूज आ जाते हैं। अब वहाँ पे उसकी जो सिस्टर है ना, वो मास्क नहीं उतार रही है, पर उसका बाप और उसका भाई इंसिस्ट कर रहे हैं कि तुम ना मास्क उतारो, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है, जब वीडियो बनाने क्योंकि निशा उसकी बड़ी बहन बगैर तो पटक के आ रही है। मैंने उस बर्थडे पे बार बार सोच के हैरानगी हो रही, मां मेरा एक दोस्त है, कॉलेज फ्रेंड है मेरा, बड़ा शरारती हुंदा सीगा, मतलब कि पंजाबी चलो हरामी हुंदा सीगा, तो मैं ना उसने फोन किया, तो मैं उस तरह पुराने तरीके गुफ्तगू की, तो मैंने ना उन्हें आहिस्ता जाके कहता गैरत कर लिया, मैं हरम शरीफ में बैठा वहाँ, मतलब कि माशाल्लाह इन्ना को नेक हो गया, 5 वक्त दिन नमाज पढ़ता, उन्होंने देख के लग रहा ही नहीं कि मेरा कॉलेज फैलो, जिस तरह दोस्त दौरे चंचल तेरा मतलब जिस तरह दोस्त होंगे आप उस तरह से, तो मैं तो हैरान हाँ कि जो चेंज हो सकता है, तो यहोजे किमें नहीं चेंज होंगे, हरम शरीफ यो लोग ने जिन्हें फिर अल्लाह की लानत हो जाती है, अल्लाह दिलों से मोहरा ला देता है कि यह नहीं बदल सकते। हाँ जी, इन्होंने बदलना नहीं, इन्होंने गंद ही वेखना है, तो इन्होंने लीजे शहर वर्गियां जिहड़ियां लाइव आके या मतलब कोई जिस तरह लीजे शहर ने बहुत अच्छी व्लॉगिंग की थी, ठीक है, वलगैरिटी वो भी सी, लेकिन चलो कल्चर भी दिखाती रही है नाल, अपना पिंड का इलाका दिखाती रही है, कच्चे अपना मतलब कि चूल्हे के खाने पका के दिखाती रही है, ठीक है, ते असी कदी उदे ते कोई रिएक्शन नहीं दिता, उदी हल्की फुल्की वल्गैरिटी सी, असी कदी नहीं बोले उदे ते, असी कदी रिएक्शन नहीं दिता, लेकिन हुण जो वीडियो आई है उदी
ਯਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਤਗੜੇ ਜੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕਤਰੇ ਚ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਣਵਈਆ ਕਤਰੇ ਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਕਤਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛੇਤਰ ਮਾਰੋ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਸ਼ਾ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਦੇਖੇ ਦੋ ਟਕੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਤਾ ਦੇਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮਾਪੇ ਕੀ ਔਲਾਦ ਹੂੰ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਗੇ ਕਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ क्या अगर आप लोगों के बच्चियों को ऐसा देखना चाहते समझो आप अपने घर की औरतों को अपनी बेटियों को आने वाली नस्लों को ऐसा सबक दे तेरे कोई यह मामला होए ना तो पहले दूजा लड़न की बजाय भैन फेंटा लाई दे कि तेरी जरूरत की हुई तू किसी गैर मर्द इन्नी इस हद तक पहुंचाया कि तू उन्हें तौबा नौज बिल्ला अल्लाह माफ करे तू उन्हें वीडियो बनाई ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਫੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੁੱਛ ਇਹ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ YouTube ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਸ ਕਰ ਮਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਦਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਥੇ ਮਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਥੇ ਮਾਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹਰਮ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮਿਲਤੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਦੁਆ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੂੰ ਇਹ ਆਇਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਚਾਚਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ ਮੈਂ